गाजा में इजराइल का रॉकेट युद्ध। हमास और ईरान को आखिरी चेतावनी। गाजा में खूनी हमला। इसराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। हमास कमांडरों को जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक में मार डाला है। इसराइल की एयरफोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्स ने पूरी तरह से गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। इसराइली सेना ने गाजा पर एक विनाशकारी हमला शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में इस हमले से कई फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइली सेना अभी भी गाजा पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा इसराइल के दक्षिणी इलाकों में सेना हमास के आतंकियों से भी लड़ रही है। इसराइल के सेना के मुताबिक अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, जिसे देखते हुए इसराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। इसराइल ने भी गाजा पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इसराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद कई हाई राइज टावर भी उड़ा दिए हैं और उनमें से कई टावर्स को हमास के आतंकियों का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे खतरनाक हमले गाजा पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से गाजा के 20 लाख लोग डर से कांप रहे हैं। गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते और उनके चारों तरफ बमों की बारिश हो रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है, लाशों पर लाशें गिर रही हैं, लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन उसको भुगतना फिलिस्तीन के लोगों को करना पड़ रहा है।